हफ्ते पंजाब किसका फैसला कुन मरहला आन पहुंचा। 20 हलकों में वोटिंग का अमल जारी। वोटिंग शुरू होते ही पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की लाइनें लग गई। खवातीन और बुजुर्ग भी हक के राय दही इस्तेमाल करने में पेश पेश। पीपी 228 लोहदरा में 100 साल और लाहौर में 92 साल बुजुर्ग वोट कास्ट करने पहुँच गए। सियासी जमातों के कारकुन वोटर्स को लाने के लिए मुतहरक। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों में कुल 75 उम्मीदवार मदे मुकाबिल हैं। असल मुकाबला नून लीग और पीटीआई के दरमियान है। लाहौर और मुल्तान के तमाम मुतलका हल्के इंतहाई एहसास करार। सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स तैनात। लाहौर के हल्का पीपी 158 धर्मपुरा में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में झगड़ा। हल्का पीपी 168 की पोलिंग स्टेशन 59 एवान मार्केट में कारकुन लड़ पड़े। पुलिस की भारी नफरी पहुँच गयी। फैसलाबाद में पीपी 97 के पोलिंग स्टेशन 72 पर झगड़ा। बुजुर्ग वोटर का बैलेट पेपर फट गया। अमले ने नया बैलेट पेपर जारी कर दिया। लाहौर के कई इलाकों में वोटर्स अपना वोट ढूंढने पर मजबूर। शहरी एक से दूसरे पोलिंग स्टेशन के चक्कर लगाते रहे। शहरियों का कहना है ऑनलाइन वोट मौजूद है मगर पोलिंग स्टेशन पर नहीं। रहनुमा पीटीआई इजाज चौधरी का कहना है वोटर्स लिस्टों में बहुत ज्यादा गलतियां हैं। इलेक्शन कमीशन को 14 खत लिखे लेकिन कोई हल नहीं मिला। पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर जारी। शहरी घरों से निकलें और अपनी मनपसंद के उम्मीदवार को वोट दें। इससे पाकिस्तान को मजीद इस्तेहकाम नसीब होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान। मजीद कहा पोलिंग में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन होगा। उधर इलेक्शन कमीशन कंट्रोल रूम में 6 शिकायत मसूल हुई। 3 को फौरी तौर पर हल कर दिया गया। बाकी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। रहनुमा नून लीग अय्याज सादिक लाहौर की 4 सीटों पर जीतने के लिए पुर उम्मीद। मीडिया से गुफ्तगू में बोले साबिक हुकूमत की 4.5 साल की कारकर्दगी लोगों के सामने है और नून लीग की खिदमात किसी से भी छुपी नहीं। जीत हमारी होगी। इलेक्शन के बाद इमरान खान क्या करेंगे फर्क नहीं पड़ता। अय्याज सादिक ने हल्का पीपी 158 में वोट कास्ट किया। पीटीआई असद उमर का कहना है रेजिम चेंज का रिवर्स गियर लगने वाला है। हमजा शहबाज वजीर अलग था ही नहीं, वो कुर्सी पर काबिज हैं। जल्द ही वजीर अलग की कुर्सी बाजियाब करवाएंगे और जल्द परवेज इलाही वजीर अलग पंजाब बनने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन बताया इसको कहाँ से हदायत मिल रही है। रहनुमा पीटीआई हमाद हजर का इलेक्शन कमीशन पर जानबदारी का इल्ज़ाम। कहते हैं हुकूमत फाशित है, वजीर दाखला सबको धमकियां दे रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानबदारी के बावजूद हम कामयाब होंगे। आज शाम के नतायज साबित करेंगे कि अवाम उनके साथ नहीं। अवाम अपने वोट की ताकत से लोटों को इबरत का निशाना बनाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का कहना है मुल्तान में अब तक पोलिंग का माहौल पुरअमन है। अब तक पुलिस चौकस गैर जानबदार और उनका रवैया मुनासिब नजर आ रहा है। 3 बजे बारिश की पेशगोई हुई। वोटर्स जल्द अज जल्द वोट कास्ट करें। शाह महमूद कुरैशी बोले। मजीद बोले पुलिस स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बच्चियों को कह रही है शेर पर मोहर लगाएं। आरओ ने मुतबादल अमले की यकीन दहानी करवाई है। शाह महमूद कुरैशी का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। एक वोटर लिस्ट में नाम न होने की शिकायत कर दी। शाह महमूद की मसला हल करने की यकीन दहानी। पीटीआई का जिमनी इलेक्शन शुरू होते ही धांधली का इल्ज़ाम। मुजफ्फरगढ़ में हमारे उम्मीदवार मौसम जुताई की पोलिंग एजेंट्स को स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। खाली डब्बे और बैलेट पेपर्स चेक नहीं करने दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने शहबाज गिल के इल्जाम की तर्दीद कर दी। कहा पोलिंग स्टेशन 46 और 47 से एजेंट्स को निकालने का इल्ज़ाम गलत है। वहाँ पर पीटीआई के एजेंट्स मौजूद हैं। पहले पेट पूजा फिर काम तूजा। उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स की खूब आवभगत। पोलिंग के लिए आने वालों के नान चने और हलवा पूरी से तवाजा। कारकुनान भी खूब खा बे खा कर ताज़ा दम हो गए। मुस्लिम लीग नून को जिमनी इलेक्शन से कबल बड़ा धचका। शेखुपुरा से लीकी कारकुन पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी ने इस्तीफा दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने जलील शरकपुरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। जलील शरकपुरी की अवाम से इमरान खान को वोट देने की अपील।
ज़िमनी इंतखाबात में वोट डालते हुए तब्दीली के नाम पर भरपा की गई तबाही का जरूर सोचना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा वोटर्स 4 साल स्याह दौर की करप्शन नाहली मुआशी तबाही भी जहन में रखें, मुल्क को मंजिल से दूर करने का बदला अपने वोट से लें। वफाकी वज़ीर दाखला राना सनाउल्लाह का कहना है, अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। शर्फ हसन अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, कौम बिला खौफ अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में कानून नाफिज करने वाले अदारे बिला ताखीर रिस्पॉन्स करेंगे। वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब ने कहा, अवाम झूठ यूटर्न करप्शन आइन शिकन की सियासत को मुस्तरद करेंगे। तमाम 20 हलकों में नून लीग को कामयाब बनाएंगे। ज़मीनी इलेक्शन का सबसे बड़ा मुकाबला मुल्तान में पड़ गया। पीपी 217 मुल्तान में जैन कुरैशी और सुलमान नईम मदे मुकाबिल। आम इंतखाबात में सुलमान नईम ने शाह महमूद कुरैशी को हरा दिया। बेटा जैन कुरैशी वालिद की हार पर बदला लेने के लिए पुरअज़म। पीपी 224 लोहदरा में आमिर शाह और जवार बड़ाइच का मुकाबला।